कहे गुरु चंद्र मत हारे सत, झूठे आदमी की नहीं होती गत, रहूं तेरी घबरावे मत। अरे बहकाया तन पाली नित, की झटके लग लग और मोहब्बत ठोस हो गई। मियां रांझे 3 रोज के लिए मुझे इस काने की जेल जाना पड़ेगा। 3 रोज के लिए जाना पड़ेगा जी मियां रांझे। अरे 3 रोज का क्या काम है हीरे, एक दिन जाने का और एक दिन आने का। और एक दिन दे देवता तो कंगा वो दिन। देखिए मेरे, हाँ पहले तो मेरे को ये बता कि तेरे को 3 दिन जाना क्यों पड़ेगा, क्या मजबूरी है इसी? मजबूरी ये है क्या कि एक रोज मैं अपना धर्म निभाने के लिए जाना पड़ेगा। मतलब एक रोज ये कन्नू बादशाह हमारे महल में आया था। ये कन्नू बादशाह आपकी हवेली में आया था और इसका पल्लू मेरे पल्लू से टच हो गया। इसका पल्लू तेरे पल्लू से टच हो गया? जी हाँ। फिर इसलिए वो बाहर उतारने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, वो धर्म निभाना पड़ेगा। शायद अभी भी मेरे से झूठ बोल रही है। कोई बात नहीं हीरे, मैंने तेरे को थोड़ी देर पहले बताया था कि हम जिंदे रहे ना रहे दुनिया में, हम जिंदे रहे ना रहे दुनिया में, तू ही जीकर संसार देखिए, और जी भी गए तो ले लेंगे फकीरी, तू ही कर सिंगार देखिए। अच्छा, हमारा वादा है कि हम तेरे सिवा नहीं दूसरी लड़की ब्याहे, तेरे सिवा नहीं दूसरी लड़की ब्याहे, तू ही नए नए भरतार देखिए, और जब उल्टी आवे अटखेड़ा से तो धरती में समाये हुए रांझे का मजार देखिए। मेरा जी आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, मैं ऐसा ही होगा हीरे। 3 रोज के बाद आपके पास आ जाऊंगी। 3 रोज के पास जिसके पास आएगी वो कोई और होगा, रांझा नहीं होगा। जाइए चल भाई कहानी है। अरे तू मने कानो ही मत कह, काने कहने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरी आंख ब्लैकआउट हो गई थी बचपन में। चलिए ले जा भाई। ठीक है सजनों, कन्हू बादशाह लेकर के हीरे को आगे चल देता है, अपना अटखेड़ा पहुंचता है। इधर से वो रांझा उस हीरे के बैराग में पागल हो जाता है, और पागलपन के अंदर चलता चलता सूरतनाथ बाबा के पास में पहुंचता है। बाबा सूरतनाथ के पास पहुंचा, रांझे के दिमाग में बात आई कि संसार धोखे का है, धोखे का संसार है, मतलब का संसार है, यह कोई किसी का अपना नहीं है। जितने कहते हैं कि इस संसार के अंदर जब तक शरीर में जीव है जब तक मेरा मेरा है, पैदा सोना पैद जगत में सदा रहे घर डेरा ना, जीता जी की तेर मेर मरा पा 6 मिनट बसेरा ना, अरे यो सूक्ष्म जीव लिकड़ जागा जब कोई तेरा कोई मेरा। इससे अच्छा ये जो मेरी बची हुई जिंदगी है ये बैराग में फकीर में बिताएंगे। क्या देखूं? ये हमारा भगमा बाना देख। बाबा जी मन चेला कर ले, धो दे दाग शरीर का, दुनिया में जोड़ा है बहादुर और शमशीर का, जोड़ा है बाबा पुरुष और वीर का, दुनिया में जोड़ा बताया बहादुर और शमशीर का, मेरा के जीना से बाबा वो कन्नू मालिक बन गया मेरी बाबा। बाल बच्चे बाबा ने क्या दिन उस मूत ने मिट्टी मेरी बराबाद की, इस कदर रोया के हिचकी बंद गई सयाद की, दो ही हिचकी में हुआ बीमारे गम का फैसला, एक उसके मौत की और एक उसकी याद की, शाम का है वक्त कब्रो कौन ठुकरा कर चले, आह किस हालत में है मैयत दिले नाशाद की, आज मेरे कत्ल से दरिया बहेंगे खून के, सुर्ख मछली बन के तैरेंगी छुरी जल्लाद की। बाबा बोल, कुछ नहीं कहना चाहता मैं, मेरे को अपना चेला बना ले बेटे।
चेला तेरे को बना लू पर चेला तू किस लटक में किस बटक में किस खटक में चेला बनता है। और भाई बाबा जी तो चेला ही बनाने से मतलब बना ले बाबा देर ना करे। अच्छा हाँ तो ले बैठ। इस संसार से मेरा दिल टूट गया मेरे को चेला बना ले। ले बेटा हाँ तेरे कान पैर दी शिंगाना में काट कपड़ा काट। हेलो ले बेटा या लिफी पर एक रोज शहर करने को गए एक रोज शहर करने को गए तो दिल में ये अरमान थे एक तरफ जंगल पड़ा और एक तरफ शमशान थे। चलते चलते मुर्दे की हड्डी पर पैर पड़ा तो दिल में ये ध्यान थे हड्डी ने कहा ओ चलने वाले चल संभल के हम भी तो कभी इंसान थे। बैठक अब बैठ जा नीचे तेरा कान पाड़ूंगा। अरे ओगड़नाथ है हाँ बाबे अरे मेरी कर्द दे भाई कर्द ले कर्द बड़ी इस कर्द से मैंने बहुत घने कान पाट दिए ले बैठ बैठ बेटे बैठ बैठ जा तूनू करिए शो महाराज शो महाराज शो महाराज नियमित कर लाग जी पो मर गया पापा मर गया पापा मर गया पापा। ओहो मैंने काफी कान पाड़े हैं पहले कैन लाल खून आया करता और इसके कानों में तो सफेद खून आता है तो कोई न कोई जती माया है। मर गया रे पापा मर गया रे पापा मर गया बेटा बाबा हाँ बाबा जाने अरे जिसके दिल में दर्द नहीं वो दर्द किसी का क्या जाने। हो गया बाबा हेलो हेलो अब तो तेरे जोड़ी दूंगाया एक काम कर हाँ बाबा बैठे तेरे कान पाट दिए हैं हाँ और ये निगाना गांव है हाँ इसके अंदर मांग के लिया भीख मांग के लाऊं मैं नहीं भीख वार तू भीख खा बाबा हाँ मैं भीख मांगण खातर बाबा को नहीं बनया और तने मैं घर जमाई डॉक्टर खातर बनाया है। वाह भाई वाह सुन ले बाबा क्या तुम्हें दुनिया से प्रेम नहीं है बच्चा बिल्कुल नहीं। अच्छा नहीं कैसे सुनिए ये दुनिया बना ये दुनिया ये दुनिया बिन हीरे मन भावती नहीं मन भावती नहीं ये दुनिया Thank you.
सुख भी गया संसार का, शादी गया तो सुख भी गया संसार का। अरे रब ने बनाया जोड़ा पुरुष और नार को, रंझे की मजार का खोई हीरे ढूंढू पावती नहीं, मदार पावती नहीं, ये दुनिया हीरे मने पावती नहीं रे बाबा। इधर तो वो रांझा भटक रहा है और इधर उस अटखेड़ा के अंदर, उस कन्हू की हवेली के अंदर वो हीरे तड़फ रही है। इधर रांझा कुछ भटकता है, इधर वो हीरे तड़फ रही है। क्या कहती है हीरे जरा? चलो मेरे भाई को बोलिए कहो नहीं। ओ दुनिया में साजी बस एक ही है मेरे शरीर का, ओ दुनिया में साजी एक ही है मेरे शरीर का, ओ जीना है मुश्किल रांझे बिना इस हीर का, ओ जीना है मुश्किल रांझे बिना इस हीर का। मका रोड़ा लिखा है किस
किस्मत में हर टेम का राणा ने गा किस्मत में हर टेम का जिंदगी रहो चाहे जावो चाहे जो संकट आवो जिंदगी रहो चाहे जावो चाहे जो संकट आओ टूटेगा नहीं बंधन किसी पे इधर दोनों तड़फते हैं और रांझा उस साधु के भेष में चलता है और अटखेड़ा की तरफ दौड़ता है और चलता चलता कहता है रांझा पाड़ी करती गई मारे जिगर पे थे
दो। हीरे राख बदन में चंद्र लाल रमाली हमने हीरे राख बदन में अरे मेरे प्रेम में फंस के हीरे रोती हो कि मन ही मन में अरे मेरे प्रेम में फंस के हीरे रोती हो कि मन मन में अरे फंस के आए हो लाचार फंसी बंधन में देखे हो लाचार फंसी बंधन में चली कोना पेस हीरे से जदी आरासू दे दे हीरे से जदी आरासू दे 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 ए बेबे चल पानी भरने के लिए पहली पानी में काटूंगी ए बेबे पहले पानी में काटूंगी पहली में काटूंगी अटखेड़ा के पास पहुंच जाता है और पणघट के ऊपर कुछ पानी आ रही पानी भर रही थी उस पणघट के पास में पहुंचता है क्या कुछ होता है पहले पानी में पहली मैं काटूंगी मोटर नागाली पहले छोरियो एक तम तो पानी काटियो पाछा पहले मेरे लो पानी कटवा दो कौन सा पानी ये मैं पानी काट के मैं घर जाऊंगा ना ना हमने जल्दी से हम काटेंगे पहली पानी अच्छा हाँ एक कोई बात ना मेरा पानी कटवा दियो आज ना ना तू ये बूढ़ो आदमी से तेरी ताई तो हरी से बीमार अच्छा और तेरी ताई तो आको नहीं सके फिर और मैं पानी भरने खातर देख हमने सर जल्दी हम घर को काम करांगी अच्छा क्या करेगी रोटी बनानी है अच्छा और पानी लेके जावांगा कपड़ा धोवांगा अच्छा एक कपड़ा ही तो धोवेगी मैं आथा रोटी बनाए खाऊंगा तेरी ताई जी जी हाँ। ए बाबा जी खड़ा देख हाँ कितना सुतरा बाबा जी हाँ। आ रहा इतना लंबू कितना सुतरा मेरा जी कर रहा मैं इससे शादी करवा लूं एक ही नाम याद कर रहा है ए छोरी के तो ब्याह की सी बरा घोरो से गणे के कीटाणु जाग रिया से पानी आ रियो पानी पिलाओ पानी पिला तेरे जल्दी है हाँ मैं पिलाऊ ओ बाबा जी एक हाथ का पानी मत पिए क्यों या जाटा जाटा जंगल का हाथ नहीं धोवे से वापस हट जा अच्छा वापस हट जा पानी आ रही हो हाँ कहो आप कितने देर से खड़ी हो यहाँ पर हमें काफी टाइम हो गया है काफी टाइम हो गया है बिल्कुल आपस में झगड़ा करते हाँ एक छोटी सी बात बता दो कि बाबा ने कौन सी सुन दे पूछता हूँ बताइए शाबाश उस्ताद क्या बात है यार बता दिया पणिहारी जको ये देखा हो डोला ओ डोले मैं सुना था ब्याली बहू का बता दिए सोड़ा बता दिया पड़ी हारी जो को देखे हो डोला
हेलो एक बात और बता पणिहारी, उस कन्हू के साथ डोले में छुच्छक की हीर थी बिल्कुल, लेकिन वो उस कन्हू और हीरे की कुछ बातें हो रही थी। हाँ, एक बात बताइए मेरे को। अरे देखे हीरे गला कन्हू कुछ वो तो बात कर थके पणिहारी। हाँ बाबा, एक बात बता। क्या कहे चंद्रलाल भला मानस कोई प्रतापी हो से, गैर वीर न तकने आला महापापी हो से, प्रजा का भला करणिया मानस इंसाफी हो से, और ना होता इंसाफ जड़े आपा दापी हो से, एक बूंद भी काफी हो से। अच्छा। एक बूंद भी काफी हो से, जहर उठता ना एक तोड़ा, और काल कूट विष्णु उठेगा वो शिव शंकर बोला। एक बात बता। हाँ? उस हीरे के साथ वो कन्हू कोई बदमाशी करे था? बिल्कुल बदमाशी करे था। उसने मारे था? मारे था। हाँ। कैसे न्यू मारे था? हे बेबे। हाँ। वो उसने मारे, इसके दर्द क्यों हो रहा है? इसके दर्द बेरनी बेबे। यो बाबा जी को ने कोई बद्दू से, और कभी लात भी मारे था बाबा? हाँ? लात भी मारे था उसके, हीरे का लात मारे था। कैसे? यूं कहता। हाँ? कि बोल पति बोल, और वो भाई भाई कण के लाग रही थी, और बाबा माने टाइम को नहीं, हम तो जल्दी में सा। क्या जल्दी है आपको? गांव में नई बहू आई से। बहू तो सब का नई है, हमसे पुरानी कहीं गांव से। अरे प्यार का नहीं साऊ, ये पुरानी है हमसे। देख बाबा। हाँ? हमने से जल्दी हम साधक धोकण जाएंगे। साधक धोकण जाओगी? बिल्कुल। उस नई बहू के साथ? नई बहू के साथ। जाइयो पणिहारियो जाइयो, मने पानी भी मत पियो। क्यों? जाओ। पानी भी नहीं पियो? हाँ, क्योंकि मैं पानी यहाँ नहीं पीऊंगा। फिर कड़े पियोगा? चल बेबे। पानी का पीने का जो काम है वो अब साधक के मजार में ही होगा। चलो बेबे जल्दी करो। इब तो ये साधक वाली कुंडी में ही पीवेगो। देखिए चार दिन से लगातार
जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं, ग्राम पुट्ठी धनोरा से ये सुभाष जी चौधरी राणावत, उनके छोटे भाई साहब लोकेंद्र जी राणावत अपनी तरफ से जो आज यहां पर पधारे हुए हैं, और अपनी तरफ से 5100 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और 5100 रुपए से पार्टी का सम्मान करते हैं, 500 रुपए कमेटी को भी देते हैं, अपनी तरफ से 500 रुपए कमेटी को भी देते हैं। भाई लोकेंद्र जी राणावत ग्राम पुट्ठी धनौरा से श्रीमान सुभाष जी के छोटे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। पणिहारी हो जाओ आप सजनों, रंझा चलता चलता और जहां साधक का मजार था उस साधक के मजार में छुप करके बैठ जाता है, और इधर से वो कन्हू उस हीरे को लेकर के साधक पूजने के लिए आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भाभी तैयार हो ले। हाँ भाभी। ओ भाई बोल, सुने सती। ओ भाई आप भाभी मन भी भाभी बोलने लाग रही से। ये तने तने कोने या मन भी भाई कैसे या के बात से तो देख बेबे। हाँ न्यू करी बोल, एक पांच सात तो से भाई अपना गांव में, एक पीहर में, अच्छा और पांच सात भाभी से, फिर तो ने बाइन पड़ रही से, अच्छा तो तू नू करी जा भैंस का काटड़ू मर जा। हाँ हाँ। और उस भैंस ने चून चान गेर दे, चून चान गेर के कूड़ी पे ले आऊ। अच्छा तो तू इन्हें कूड़ी पे ले बेबे। किस तरह से? तू पांच सात दिन मने नू को ओ मेरा लोग, ओ मेरा लोग सत्यानाशी, तो इसने बाइन पड़ जाएगी। मैं तो तेरी बेबे लागू सू, तो मैं के तरीके में और किमें बढ़ाऊ सू, और क्या कहने लग रहा तू? तावड़ कर ले, साधक धोखण जाना है ना, बैंड पड़ जाएगी, साधक पूजना है, तावड़ कर। चलो शाबाश। ले तो छोरी भाई पांच पता सा लोगों का जोड़ा ले साधक पे जयो जी, जिस ताड़ी मारा साधक पे क्या वाड़ाई झुक जयो जी। ए छरी आखरी तेरा साधक पूजने जी कर रहा होगा, साधक पूजा पास हमू सुंडी पर को करती आने कितना बताऊं, न्यू साधक वाली पूजो से एक ये इसका पकड़ाव नहीं है पल्ला पांच पता सालों में कजोड़ा ले साधक पैसा होगी जिस दाहरी पर साधक मैं क्या बाजारी झुक गई होगी। ए छरी कुमाराली तेरे बुरो हो तेरो छरी, ये को पल्लो पकड़ा तू मत पकड़ी, अगर साधक पूज दियो छोरी तो तने बताऊं ग्रीस फेंकती हंडेगी, फिर रुक है कहीं नहीं से। ए तू भी छरी, ए डूब की शेती तू भी एन कपल है, एन कपल पकड़ाया कर भाई पांच पता सालू मैं कटोरा ले साधक पैसा जी जिस दाहड़ी पैसा तक बैठा बदाई झुक जाइयो। छरी बुंडा बुआली छरी, ए भाई तेरे तो खुमड़ी भी बहुत खराब है। ओ भाई या सतवासी साधक पूजन चौकी से। देख भाई साधक का मजार आ गया, पहली तो दोग मैं मार लियू। ए छरी उराए, ए तू बैंगन सी तने शर्म नहीं आव साधक पूछता भाई कर। हाँ पहले तो साधक तू पूज ले, मैं धोख मार लियो। हाँ हाँ और पछा मैं मार के धोख और एक ही मरवा के घर चल लांगा। ठीक है पहले मैं जाऊं सु जा। हे मेरे साधक पीर,
या हीरे मने भाभी खाना छोड़ दे आपकी ससारी तो मैं तेरे 2 रुपया का प्रसाद चढ़ाऊंगी। टूबी की छेती 2 रुपया में कुत्ती को जापो को लिखना। ए मेरे बाबा साधक पीर जे मेरे भाई ने पति कहने लाग जा मैं तेरे पे हीरे मैं तेरे पे 1100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। हाँ। तेरा खर्चो लागे से 1100 रुपए को चढ़ाऊंगी। भाई धोख मार ले साधक पीर तेरी तुर्बत का तो कड़ी करवा दूंगा और एक गलेब चढ़ा दूंगा 5 मुर्गा छोड़ूंगा तेरे पे और एक जोटो छोड़ूंगा तेरे पे। जय इतना खर्चो लगा के बिया मने लोग लोग ने कहो तो तेरी देह के त्रुपत मला ठिर पैड़ी करूंगो। ओ भाई के बोल रहा से साधक नाराज हो गया। नाराज हो गया मेरी चोटी खोल लगोगे फिर एक काम कर हीरे की दोख मरवा दे। मरवा दे। हेलो हे बाबा साधक जहां मेरा मियाँ रांझे हैं मुझसे मिला दो वरना मैं उनके बिना जिंदा नहीं रहूंगी। कान की लुकाई तेरे कीड़े पड़ियो रजसी करी मेरी गैल उसी तेरे आगे अड़ियो राम करे मोटा तेरी तुरबत में मकोड़ा पड़ियो जैसी करी मारी गैल उसी तेरे आगे अड़ियो कुण झगड़ा ठा रही है कुण झगड़ा ठा रही है ओ रांझे बोलो फाटक खोलो हीर आ रही है कुण झगड़ा ठा रही है कुण झगड़ा ठा रही है हाल बना लिया अपने रांझे बोलो फाटक खोलो हीर दूर जाओ पहाड़ी के नाम ने और रुकमणी ना छोड़े और शिशपाल ते घनश्याम ने और रुकमणी ना छोड़े शिशपाल पे घनश्याम ने और बादशाह गुलाम ने बरोबर लगा रही है कुण झगड़ा ढा रही है। ये हाल मेरा होना ही था लगता है खुशियों में आए लगता है खुशियों में तू आई है सिंगारी के ओ सतिया नाराजी हो बाप बेटी आ रे तुम बाप बेटी आ रे
जी कहिए आखिरी की बात बताइए, आखिरी की बात। हाँ जी एक तुम हो मेरे कन्नू के साथी के झूठे रुके किसने गेरे ओ रास्ते में काटे ओ पटमल ने बखेरे ए सतियों के जत्ती बिना ओ निका हो ना फेरे मियां जी क्या ये क्या हाल बना लिया आपने? ये हाल मैंने तेरे को पहले ही संकेत दे दिया था कि तू मेरे को छोड़ करके चली गई तो हम फकीरी ले लेंगे और हमने लेकर के दिखा दी फकीरी। मैंने कहा था कि मैं तीन रोज में आपसे मिलने आ जाऊंगा। नहीं नहीं अब ऐसा कुछ नहीं रहा मियां जी। क्या इस कन्नू की कैद से मुझे आजाद कर लो वरना मैं मर जाऊंगी। कन्नू की आजाद कैद से तेरे को आजाद कर दूं? जी हाँ। देखिए मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगी। देखिए हीरे हाँ आज मैं साधु संत फकीर बनकर के तेरे पास में आया हूँ और अब तेरा मेरा कोई नाता संबंध तो रहा नहीं क्योंकि हमने फकीरी ले ली है, लेकिन इतना काम जरूर कर जाऊंगा कि इस कन्हू की कैद से तेरे को आजाद करके जाऊंगा। ठीक है मियां जी, जी भाई। क्या करना होगा? ये पितर रोड़ा हो रहा से मैं पढ़ू क्या गुफा में? ओ ना ना भाई काम बढ़ जान दे। बात सुन ले हाँ। घर पे चली जा जी और घर जाकर के सर्प लड़ने का बहाना बना लेना और झाड़ गिर के रूप में मेरे को बुला लेना। अच्छा। एक बार यदि मैं इस कन्नू की हवेली में प्रवेश कर गया तेरे पास में आ गया हाँ। तो तेरे को उस कन्नू की कैद से आजाद कर दूंगा। ठीक है मियां जी हाँ। मैं ऐसा ही करती हूँ। सजनो हीरे वापस चली जाती है और महल में जाते जाते ही सर्प लड़ने का बहाना कर लेती है और झाड़ गिर के रूप में उस रांझे को अपने पास बुलाना चाहती है। सुनिए क्या कुछ होता है। हाय मेरी माँ बाबी के बात हो गई। बाबी क्या हो गया? बाबी मैंने सांप लड़ गया। सांप? सांप खा गया। कित खा गया? मैंने हाँ मुँह के। अच्छा हाँ और कितना बड़ा था? एक बिलांद का। ओ भाई के बात बाबी ने तो सांप काट लिया। सांप? हाँ ये शेती हाँ सांप खा गो हाँ और कित खायो? गाल के। और मेरा ससुर बहुत गलत जगह लड़े हो भाई। अब के करे शेती के बात ये मेरी चूड़ी फोड़ दे वो तो रांड होगो भाई। न्यू कौन क्या करे ये शेती भाई? वह बाबी न्यू बोल रही से के जो साधक की मजार में बाबा से वो बाबा से उसकन या तो पानी मंत्रा के लाओ। अच्छा और नहीं वो झाड़ा लगाओ उसको झाड़ा लगवाना। अच्छा बाबा लो पानी काम करो मार लो तो पानी भी काम को नहीं करे। तो भाई तावड़ा करके जा। ए शक्ति तू जा बे। ए बेबे तू जा। ना ना भाई कदे तेरा खसम का तेरा लोग के सांप लड़ागो जो मैं चले जाओ। हट सत्यानाशी के बोलने से। ए शक्ति तू जा। अच्छा ए बेबे तेरे सूट सिवा के दूंगो। किम्मी कौन ला के दे तू? है ये और के का पैर रखे से। अच्छा हाँ ये जा ए जा भाई। अच्छा ए बेबे तू जा तेरा कहन तो बाबा जी आ जा। ठीक है मैं जा रही हूँ। ऐ लाल लुगड़ी ने बरदान से के जाया खूंड पे भी गेर दे तो बूढ़ों के सारा बैठ के रात काट दे। ठीक से मैं जा रही हूँ भाई। ओ बाबा क्या बात है? तावड़ा कर ले। किस बात की तावड़ कर लियो? मारी बाबी ने सांप काट लिया। फिर मैं क्या करूं सांप काट लिया तो मेरे कन के इलाज से? देख बाबा हाँ इलाज बताया से उसने। क्या? या तो पानी मतर के दे दे। अच्छा पानी मतर के दूं? बिल्कुल। फिर नहीं तो? नहीं तो झाड़ा ले आते। पानी मतरने का टाइम तो खत्म हो गया है टाइम ही। हाँ पानी को किस टाइम पर मतरियो जा से ते सूर्य अस्त होने से पहले? अच्छा अच्छा तो फिर झाड़ा ला दे। झाड़ा ला दूं? लिया हुआ झाड़ा ला दूंगा। वह नहीं आ सकती। नहीं आ सकती तो मैं केक मरण दू? चाल मेरे साथ में। ऐसे नहीं चल सकता सेती। फिर मेरे गड़बड़ हो रही है तो सवारी लेके आनी पड़ेगी। क्या गड़बड़ हो गई सी? मेरे गड़बड़ हो रही से सेती। क्या गड़बड़ हो गई? मेरे कुत्ती ने बुड़का भर रखा तो कुत्ती ने छेड़ी होगी।
तो देखो मेरे पास में सवारी का साधन है, आप उसमें चल चलिए। कोई बढ़िया सवारी बताइए जो आराम से ले जा, हाल ना लगन दे। ऐसी प्यारी सवारी बता अच्छा? जो ऐसे ले जा जैसे पानी पर नाव चलती है। तो सुनिए मेरी बात जरा, चलने की हिम्मत को ना। चालू बिना सवारी मेरे कान पाट रे सती कुकर्म चालू बिना सवारी खेच के घोड़ा लदू हाल लगना तेरे देख घोड़ा हो बदमाश उछल के लात मार दे मेरे तन बढ़िया सा एक ऊंट मंगा दू वो बैठा चाल मुकेरे अरे ऊंट जात ऊंटा की हो मन ठा खाई में केरे ऊंट जात ऊंटा की हो मन ठा खाई में केरे पसंद नहीं तो घोड़ा ऊंट पसंद नहीं तो अल्लाह जो मटर लारी अरे कच्चे राम है देखे कच्चे राम है वह पंचर हो जा तो रह जा खड़ी बेचारी बाबा जी तेरे साथ चाल में कद के होने खाली कान पाट रे सिर से ती क्यों चलू बिना सवारी कान पाट रे सिर से ती क्यों कर चलू बिना क्या कहना चाहे थी तू बाबा भी बता रहा था क्या तेरा कुत्ते ने बुड़का भर रखा है भर रखा है ना तू कुदड़ लाग रहा से यो पर अदर था एक तो कुदे था मैं तो अच्छा हाँ कह दे सुन ले बात हाँ बता नंबर दो श्रीमान दिलबाग जी चौधरी पपोसा हरियाणा से और इनके श्रीमान सुभाष जी पुट्ठी धनोरा से दोनों की तरफ से 100-100 रुपए और सम्मान होते हैं इस शिराग्नि पे बहुत बहुत धन्यवाद सुनिए मेरी बात इन सवारियों में कोई मजा नहीं आया अच्छा बढ़िया सवारी बात और भी बहुत सवारी से बाबा कह दे तू कहे तो लादू सवारी ऐरावत हाथी की हाथी पर बार बैठे राजा बादशाह न कदर संत जाति की तने दो घोड़ा की बुगी लादू हम दर्द संत साथी की अरे ढूंढ देखे दचकी लाग के चूड़ मुड़क जा तो चाना हो खाती की पिनस में बैठे तने मेरा पिनस में कौन बैठा करे कौन पिनस में बैठे साहूकार ना ना बैठे संत भिखारी बाबा जी तेरा कहना तो मान जागा सवारी चाहिए बढ़िया बिना सवारी और सुन ले बाबा कह दे देखे इन सवारियों में भी कोई टेस्ट नहीं आया कोई टेस्ट नहीं श्रीमान नरेश जी सोहन सोहन जी निनाणा से अपनी तरफ से 100 रुपए सम्मान करते हैं और कह रहे हैं कि भाई कोई बढ़िया सवारी हो तो ही जाइए वरना जाइए मत अच्छा बता दे
कहे तो मोटर साइकिल ले लादू मोटर साइकिल बिल्कुल कह दे कहे तो मोटर साइकिल ले लादू तेज दुड़ाइए चढ़ के और हंडल थमे ना मेरा त्योर जमे ना हंडल थमे ना मेरा त्योर जमे ना रे दांत टूट जा पड़ के तन दो बलदा की गाड़ी ले दूं उस पे बैठ अकड़ के और धजा लाग के चूल मुड़क जा रह जा खड़ी बिगड़ के रे जो हाल लाग के तू रात टूट जा रह जा खड़ी बिगड़ के ओ झूल कर के ले दूं ना दिया ओ झूल कर के ले दूं ना दिया ओ पूजा सब नर नारी नंदी पर बैठे नंदी पर बैठे शिव शंकर बता क्या औकात हमारी बाबा जी मेरे साथ चाल में सद की हारे भारी है नान पाठ में से की चुकर जानो बिरला सवारी ना ला 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 दरोगा साहब श्रीमान रविंद्र जी ग्राम खेड़ा टाणा से अपने तरफ से जो काफी सम्मान पहले कर चुके हैं लगातार सम्मान कर रहे हैं और आज 200 रुपए से इसी रागनी पे और सम्मान करते हैं दरोगा साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जुल्म कर दिया तने किसे जुल्म कर दिया कोई सवारी तो पसंद आई नहीं इतनी सवारी बता दी कोई पसंद नहीं कोई पसंद नहीं है हद होगी बाबा तेरा कोई बढ़िया सवारी बता सारी सवारी नाटक गाया हाँ। कर दिए जुल्म कमाल मेरे लायक सवारी मेरे लायक सवारी एक सवारी मेरे ध्यान में है कौन सी कह तो बता दूं बता दे और ले आ दी फिर मैं चल दूंगा अच्छा बोलिए मेरे सारी सवारी नाटक गया तन्ने कर दिए जुल्म कमाल मन रखवे पे बैठा ले सेती तेरे खवे पे बैठा ले सेती तेरे खवे पे बैठा ले सेती ममूल करू ना डाल हेरा थोड़ा बोझ टेकिए बाबा कदे बिगड़ जा हाल अरे सारे बोझ न टेकूंगा तेरी गर्ज पड़े ले जा सारे बोझ न टेकूंगा तेरी गर्ज पड़े ले जा गुरु चंद्र लाल ने आज्ञा दी बाबा ने मारी फलान अरे मोटा त्रयो साइड ओ भाई एक के बात छती ओ बाबा मेरे पे चढ़ के आया से ए छती ये मेरो बखत ही खराब से ना मेरी भाण पर बाबा जी के चढ़ जा ओ भाई मेरी तो हाल खराब होगा हालत बुरी होगी मेरी कोई बात ना बेबे इतना 2 किलो घी और दूंगा बोलिए नुकर शेती हाँ भाई ए मोटा पर मन चढ़ दे ओ भाई मेरी कमर टूटली से काम बढ़ जान दे काम पछ बढ़ दे मन चढ़ दे मां बहुत गणी दुख पा के लाई सु बाबा ने अच्छा हाँ भाई शेती हाँ। तो देख शर्म की बात तेरे पे बाबा जी बैठे हो क्या बात है बाबा जी हाँ जाड़ा लगा दे क्या नाम बताया था उसका हीरे हाँ हीरे कहाँ है वो अभी तेरे कमरा में अच्छा कमरे में है तो जाड़ा लगा दूंगा लेकिन एक शर्त है मेरी क्या क्या के सारे बाहर करो निवास सारे बाहर करो निवास छोड़ो हीरे ने मेरे पास इसका रोग तलाश करूंगा अच्छा हाँ सादा के दे भेड़ के खिवार कुछ कर दिया बिगाड़ तेरी कब्र न पैर धरूंगा मैं जाता हूँ वापस ओ भाई काम बढ़ जान दे मेरी हिम्मत को नहीं दोबारा लेने की भाई बेबे चिंता ही मत करे अपनी बेबे ने बहुत बढ़िया सूट ले ना ना मन तेरा सूट कौन सा है अब काम बढ़ जान दे भाई तो बार बार में बाबा जी थोड़ी चढ़ तेरे पे आप मैंने रास्ता देख लिया उस हीरे को मेरे पास में छोड़िए और सजनों यहां पर बताया जाता है इस जगह रिजल्ट 3 दिए जाते हैं कुछ गाने वाले ये बताते हैं कि हीर और रंझिया उस कमरे के अंदर बंद हो जाते हैं
और कुछ देर के बाद में जब दरवाजा तोड़ करके कमरे को देखा गया तो कमरे में ना हीर थी ना रांझा था, वहां से दोनों गायब हो गए थे। कुछ लोग ये बताते हैं कि उस समय विवाद हो गया, कन्हू ने रांझे को पहचान लिया, विवाद हो जाता है और बादशाह के सामने पहुंचते हैं। बादशाह हुक्म देता है कि तीन कबर खुदवाओ और तीनों को जिंदा दफनाओ। कुछ देर के बाद रांझा और हीर एक कबर से बाहर निकल जाते हैं और कन्हू कबर में दफन रह जाता है। तीसरी बात, तीसरा रिजल्ट, कुछ लोग ये बताते हैं कि समुद्र के ऊपर चादर तिराई गई, एक चादर पर हीर, एक पर रांझा और एक पर कन्हू। कन्हू जल के अंदर डूब जाता है और हीर और रांझा दोनों पार उतर जाते हैं। सजनों, इस प्रकार इस हीर और रांझे की ये चौथे जन्म की जो कहानी थी वो इसी जगह पे संपन्न होती है। और एक बात आपको और बता दूं कि कल का सांग आप लोगों की सेवा में जैसा भी हमारे से होगा और पेश करेंगे, और आज जैसे आप जल्दी आ गए थे उसी प्रकार कल थोड़ा सा जल्दी, यदि 12:30 के लगभग भी आप आ जाओगे तो कल का हमारा भी